Hello, what's up guys? Welcome back to another gameplay video and guys, today we are playing Days Gone. तो गाइस अभी हमको क्या करना है कि एक बंदा है हार्प जिसका नाम है और वो यहाँ से कुछ लेके भागा है। हालांकि वो पहले इसी कैंप में रहता था बट आयरन माइक ने उसको भगा दिया या वो खुद भाग गया ये तो हमको नहीं पता है, लेकिन उसको हमें जाके निपटाना है। तो ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, देखते हैं कहाँ पर मिलता है वो बंदा हमको। और जैसे ही मिलेगा ना वहीं पे पटक के अबे हट जा। ओके गाइस, जल्दी से बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कहाँ पे मिलता है हार्प हमको। तो चल भाई डीकन, जल्दी से दौड़ा दे अपनी बाइक को। और वो देखो सीधे हमको जाना है राइट साइड में। तो ठीक है, रोड रोड चलते हैं यार, क्योंकि बाइक में डैमेज बहुत होता है अगर ऑफ रोड आप चलाते हो। ठीक है, बढ़ते हैं फटाफट आगे। और वो देखो 500 मीटर्स बचा है बस। ओ भाई कोई है यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ कौन है यहाँ पे जो मेरे ऊपर चिल्ला रहा था। कौन था बे? अच्छा ये भाई साहब है। चल तेरी तो ऐसी की तैसी। और भी है कोई? ओ भाई यहाँ पे तो और बंदे आ गए। ओके ठीक है। ओ तेरी, तूने मुझे मारा। अबे औकात में रहो सालो। अबे गला काट दिया, क्या जबरदस्त गला काटा है उसका। तो ठीक है, फटाफट बढ़ते आगे। और वो देखो 450 मीटर्स पे दिखा रहा है कि वहाँ पे हार्प होना चाहिए। तो अब मैं मारता हूँ शॉर्टकट, जल्दी से पहुँचते हैं वहाँ पे और उसके बाद उसका भी रहना पड़ेगा। तो चल भाई डीकन, और माइक का आयरन माइक का जस्ट क्लियर ऑर्डर है कि भाई उसको निपटा देना देखते ही, मतलब कि ना इफ ना बट सीधे उसकी लंका लगा देना जैसे ही मिले साला बंदा टका। ओके ठीक है, हम लोकेशन पे तो आ गए हैं और यहाँ पे गोलियाँ चल रही हैं यार। तो ठीक है, मैं अपनी गन के आगे सप्रेसर लगा लेता हूँ और इधर साइड में होना चाहिए क्योंकि इधर ही मार्क आ रहा है। ओके ये रहा। अबे मर भी जा साले। ठीक है, मैं मॉल्टो मारता हूँ साले के फेंक के। अबे साला पैन टका बच गया। ओके मॉल्टो की जद में आ जाए एक बार। ओके और भी है। अबे साला बचा है भी, तेरी माँ का साकी लाका। और ये देखो भाई साहब, तेरी तो ऐसी की तैसी। ये हमें लगता है गैंग वॉर चल रही थी यहाँ पे। ओ भाई ज़ोंबीज़ भी आ गए यहाँ पे। तो ओ भाई जिसका डर था वही हुआ, ज़ोंबीज़ यहाँ पे आ चुके हैं। और अभी वो बंदा कहाँ पे है मैंने देखा भी नहीं है उसे। चल तेरी तो। ओ साला ये तो कुछ ज्यादा तगड़े ज़ोंबीज़ है। मर भी जा साले। ओके इनकी तलाश लेते हैं और सब लेते हैं, इनसे उठा लेते हैं जो भी मिलता है अपने को। यहाँ पे क्या मिलता है हमको? यही बंदा था हॉप। तो ठीक है, रिटर्न द स्कार प्रूफ ऑफ किल। तो मतलब अभी हमको, ओ भाई ये साली वो वाली ज़ोंबी आ गई, समझ गए ना जो गैस। ओ बहन भाग 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 बेटा भाग 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 जल्दी से भाग, वरना अपनी तो लंका लग जाएगी। और यार मैं क्या करूं, कोई अपने पास? ओके फ्लैश है। ओबे साला साले इनकी तो ऐसी की तैसी। अब मैं बताता हूं इनको सालों को। और जल्दी से अपनी गन लूं मैं। ओके अब आ जाओ सालों, तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। सालो चलते नहीं मारती साला। अबे तेरी तो औकात में रहो, बाप के सामने नखरे नहीं चलेंगे। कहाँ जा रहे हो बेटा? और वैसे मजा तो काफी आया, उस बंदे को तो फ्री फंड भी पहल दिया इसने। हालांकि अब उसकी निशानी यानी उसका स्कार्फ हमें ले जाके आयरन माइक को देना है, कैंप में ले जाना है जल्दी से लॉस्ट लैक कैंप में। तो ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं और चलते हैं कैंप की तरफ। चल भाई डीकन, अबे थोड़ा नीचे से चलना था बट कोई बात नहीं, चलते हैं। और कैंप अभी ज़्यादा दूर नहीं है बचा है, बस थोड़ी सी दूर है और इतना तो हम आराम से पहुंच जाएंगे। ज़ोंबी ओम्बी की कोई मुझे परवाह नहीं है अब। अबे कहाँ कहाँ पेल दिए बे तुम। चलो अब पानी से निकालना है तो पानी से ही निकाल लो। ओ भाई पुल से नहीं निकाल पाया, पानी से निकालना बड़ा हरामी है साला। ओ बाइक कैसे उछली? तो ठीक है चलते हैं इधर। और शॉर्टकट के चक्कर में मैंने गलत जगह तो नहीं पेल दी गाड़ी? ठीक है सही रास्ते पे तो आ गए हम। और अभी आगे चल के हम जल्दी से स्कार्फ हैंड ओवर करते हैं उसको, माइक को। देखते हैं माइक मिलता है हमको यहाँ पे।
ठीक है, हम यहाँ पे रिकी के पास आ गए भाई। रिकी यहाँ पे ये बैठी हुई है, गले नहीं लगोगी यार, ये गलत बात है। चलो ठीक है, Hey बातें ही कर Ricky, लेते हैं। मुझे लगा कि मैं मिशन your से आऊंगा तो stirrup's गले bandana. लगाएगी। Mess. Yep, that's what I said. Thanks, Deke. I'll let Dan's people know. ओके, तो हमने निपटा दिया हाफ को, और उसके लिए हमें रिकी ने शाबाशी भी दी। तो नया मिशन है ट्राइंग टू हेल्प द कैंप, और अभी हमको जाके स्किजो से मिलना है। तो ठीक है भाई, बैठते हैं अपनी बाइक पे और चलते हैं स्किजो से मिलते हैं। ठीक है गाइस, स्किजो के घर पे चलते हैं फटाफट। और यहाँ पे हमको आना था और हम आ चुके हैं, तो बाइक यहाँ पे रोकते हैं और चलते हैं अंदर की तरफ। और हम आ गए स्किजो के पास में, और ये रहा। क्या चाहिए बे तेरे को? ये भूतनी का क्या दिखाने जा रहा है मुझे? इफ यू गो इनसाइड आई विल शो यू। ओके, ठीक है, तो अभी ये मुझे अंदर जाने को बोल रहा है, बट देखते हैं क्या दिखाएगा ये मेरे को। ओके, तो ये उस केव के बारे में बात कर रहा है जिसमें होडीज भरे हुए हैं, और ये हीरो बनना चाहता है लगता है कि आयरन माइक की नज़रों में, क्योंकि इसमें डायनामाइट्स भरे हुए हैं जो ये बॉक्स है, और ये उसको ऑफर कर रहा है कि मेरे साथ चलो और जाके उस केव की लंका लगाते हैं। और इसके पास, ओ भाई, मैप भी है इसके पास में। सही बात है, पूरा रिपर से भरा हुआ एरिया है, उनकी टेरिटरी है। ओ भाई, इतना आसान नहीं है जैसे तू बोल रहा है कि हम जाएंगे और डायनामाइट लगाएंगे और केव को उड़ा देंगे और भाग लेंगे वहां से। ओके, तो स्किजो भी हमारे साथ आएगा, तब तो हम इस पे भरोसा थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं, जब अगर ये खुद मेरे साथ आने को तैयार है। ओके, तो गैस वो जो ट्रेन का ब्रिज है वहां पे ये मिलने को बोल रहा है मेरे से। तो इस पे आप भरोसा मैं करूं कि ना करूं, क्योंकि ये है तो भूतनी का बड़ा हरामी। ठीक है, तो डीक उसकी बात को मान गया है और उससे मिलेगा रेलवे के ब्रिज पे। ओके गैस, तो अभी स्किजो निकल गया और हमको चुपचाप जाना है उस रेलवे के ब्रिज पे। और हमारी बाइक कहाँ है यार? और कोई मुझे देख भी ना पाया, मतलब अगर देख लिया तो पूरा मामला भिंडी हो जाएगा। तो अभी बढ़ते हैं यार, बैठते हैं बाइक पे और चुपचाप चलना है, उसको किसी को पता नहीं लगने देना है कैब में कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो ठीक है, बढ़ते आगे और देखते हैं कि भाई कैसे चुपचाप निकला जाता है। ओ भाई, कहाँ कहाँ लिए जा रहे हो भाई? भावनाओं में मत बहिए, आगे जो है गड्ढा है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। ओके गैस, तो कैंप के बाहर चलना है अपने को शांति से, और ये रहा मेन गेट। बस किसी को पता ना लगे, किसी को भनक नहीं लगनी चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो ठीक है, फटाफट बढ़ते हैं आगे, और गेट खुल गया अपने लिए। तो चल भाई जल्दी से डीकन, और कोई अल्टरनेट रास्ता नहीं है इधर से, हम उल्टी साइड से जा रहे हैं वैसे। ठीक है, अल्टरनेट रास्ता आ गया मैप पे, और तो बढ़ते हैं फटाफट आगे। और ये देखो भाई, हिरन वगैरह यहाँ टहल रहे हैं, तो मैं थोड़ा हिरन का शिकार कर लूँ क्या? अरे वो तो भाग गया। चलो छोड़ो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं स्किजो वहाँ पे पहुँच गया है कि अभी पहुँचेगा हमारे बाद में। तो फिलहाल तो हमने जब कमिट कर ही दिया है उसकी, हम तुझे रेलवे के ब्रिज पे मिलेंगे, जो भी ब्रिज है, पुराना ओल्ड ब्रिज। तो चलते हैं वहाँ पे, रिटर्न टू आयरन माइक कैंप। ओ भाई, ये क्या हुआ? तो बाद में रिटर्न करेंगे, अभी तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं स्किजो साला गया कहाँ पे है। ठीक है, लोकेशन बस 150 मीटर बची है, तो वो आराम से पहुँचते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये रही लोकेशन गाइस, और ठीक है, पहुँच गए हम अपनी लोकेशन पे, और देखते हैं यहाँ पे स्किजो कितनी देर में आता है। ओके गाइस, तो ये यहाँ पे आ गया और स्किजो पहले से वेट कर रहा है इसका। तो कौन सा बैक डोर की बात कर रहा है? सही बात है, जाना है तो अगर अंदर तो शांति से जाना पड़ेगा, क्योंकि बाइक की इंजन की आवाज बहुत शोर होती है। तो भाई बढ़ते हैं, पैदल ही आगे बढ़ना पड़ेगा, ये तो बड़ी दिक्कत की बात है। फॉलो स्किजो, तो भाई स्किजो को फॉलो करते हुए हमको आगे बढ़ना है, देखते हैं कि क्या करना है अभी। और ज़ोंबीज वगैरह से भी बचते रहना है यार। और हम लोग उसी केव की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे मैं पहले, यानी डीकन पहले आया था आयरन माइक के साथ में, दिखाने के लिए कि इस केव में जो ज़ोंबीज का पूरा भंडार है, मतलब पूरा
घर बना रखा है। अब कोई वो 5 स्टार या 5 BHK फ्लैट में तो रहेंगे नहीं ना, गुफा में ही रहेंगे, मतलब केव में ही रहेंगे। तो ठीक है, चलते हैं फटाफट स्कीजो के पीछे और देखते हैं कि कहाँ ले जा रहा है हमें ये। हालांकि मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है इस पर, लेकिन ये खुद आया है मेरे साथ में तो थोड़ा सा मैं इस पर ट्रस्ट कर सकता हूँ। ओके, तो गाइस यहाँ पे तो वुल्फ की भी आवाज आ रही है, यानी वुल्फ अगल बगल में है गाइस, तो हमको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता कि वुल्फ जो है ना लंका लगा दे अपनी। और ये क्या है, यहाँ पे तो कैंप है एक, तो ठीक है जल्दी से जो भी है उठा लेते हैं यहाँ पे, जो भी मिलता है अपने को। ये कुछ था यहाँ पे, ओके बैंडेज। तो ठीक है, यहाँ पे एक खड़ी चढ़ाई है तो हमको बूस्ट करना पड़ेगा। स्कीजो ऊपर जाएगा फिर ये हमको ऊपर से खींच लेगा, या अगर ये गद्दारी करेगा तो हमको कोई अल्टरनेट रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, क्या करता है ये देखते हैं। भाई यहाँ पे तो वुल्फ आ गया, कहाँ है, लेकिन मुझे वुल्फ का मार्क तो दिख रहा है, लेकिन जरा ओ भाई कितने सारे हैं, ओ बाल बाल बचे तेरी तो साले, और भी है, एक और था, ये रहा देखो अटैक करने की तैयारी कर रहा है साल, और अभी और भी है। मुझे बहुत ही ज़्यादा टेंशन हो रही है। ठीक है ये तो गया, और ठीक है फाइनली हम सारे वुल्फ्स को मारने में कामयाब रहे। और अब जो है इसकी जो देखे कहाँ गया गा? अभी गया कहाँ, मैं इनका फिलहाल म्यूट निकाल लेता हूँ तब तक, जब तक वो हमारे लिए ऊपर जाने का कुछ प्रोग्राम करता है। ओके, इसकी जो शायद ऊपर से कुछ गिराया है जिसके थ्रू हम ऊपर जा सकते हैं। आई डोंट नो कि वो कोई पत्थर बड़ा सा है या कुछ। ओ भाई इसको तो सीढ़ी मिल गई, तो ठीक है सीढ़ी से ऊपर चलते हैं हम फटाफट और देखते हैं कि इसकी जो अब हमको कहाँ ले जाएगा। ठीक है गाइस, अब यहाँ पे तो कुछ घर दिख रहे हैं, और यहाँ पे ओ भाई रिपर्स हैं, वो देखो सामने रिपर्स दिख रहे हैं मुझे वहाँ पे, इनको मार्क कर देते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं धोखे से भी इनके पास पहुँच जाऊँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो ठीक है, इनका हमें क्या करना है, इनको तो बाद में पेलेंगे, पहले हम चलते हैं स्कीजो के साथ में कि जो अपना मिशन है इसको फॉलो करना, उस वो काम पहले कर लेते हैं। और देखो गाइस वो सामने झिंगा लाला कर रहे हैं साले। तो ठीक है फटाफट बढ़ते हैं, अब बस देख ना ले साले मुझे, और उनके क्लोज क्यों जा रहा है भाई, और काफी सारे हैं नंगे पंगे झिंगा लाला कर रहे हैं साले। तो ठीक है चल भाई स्कीजो, और ये उनकी तरफ क्यों ले जा रहा है यार, मुझे तो बड़ी टेंशन हो रही है यार, ये साला करना क्या चाहता है। ओके तो गाइस हम यहाँ पे आ चुके हैं, और ये देखो मस्त डांस चल रहा है पैंडे लोग, और वो देखो सामने बीच में होली जला रखी है। व्हाट द फक, और खुद को काट रहे हैं यार गरम कर करके, मतलब ये कौन से रिचुअल्स हैं इनके जो जिसमें खुद को ये कट मार रहे हैं। They don't feel the pain. ठीक है इसकीज़ों के पीछे पीछे चलते हैं, बस ये हमें देख ना ले, इतना ध्यान रखना है, कीप योर फ्रेंड क्लोज। तो ठीक है फटाफट चलते हैं, और चल भाई जल्दी से, और इसकीज़ों बहुत स्पीड से जा रहा है, मुझे भी उसके साथ स्पीड से जाना पड़ेगा और छुपना भी है। और भाई वो देखो सामने पीछे कैसे डांस कर रहे हैं साले। ओके अभी तो हम काफ़ी दूर आ गए उनसे, और अब आराम से ऊपर खड़े हो सकते हैं और इसके पीछे चल सकते हैं स्पीड से। और यहाँ पे इनकी जगह जगह पे कैंप बने हुए हैं यार, थोड़ा सा हमको मोर केयरफुल रहना पड़ेगा। ओके गाइस तो यहाँ पे ओ भाई कैसे सजा के रखा है, दीज बास्टर्ड्स बाइक से टहल रहे हैं, और वो देखो एक बंदे को किस तरह ऊपर लटका रखा है। ठीक है स्कीज़ो अभी भी ज्यादा हीरो बन रहा है, तो चलते हैं साले के पीछे। दे डोंट फील पेन, ओ भाई तो ठीक है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दे डोंट फील पेन। तो भाई मुझे तो बहुत ज्यादा पेन फील होता है, मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि अपना कुछ यहाँ पे नुकसान हो जाए। तो ठीक है भाई जल्दी से स्कीज़ो चल तू, और मैं भी चलूँ तेरे पीछे,
बस मेरे से गद्दारी मत करियो कि इसकी कोई चाल हो उनके साथ मिलके, रिपर्स के साथ मिलके कि हमको यहाँ पे लाने की, बट देखते हैं क्या होता है, क्योंकि अब तो यहाँ पे आ ही गए, जब ओखली में सर दे दिया है तो मूसल से क्या डलना भाई। यहाँ पे चल क्या रहा है, वो देखो बैंड बाजा बजा रहे साले। तो ठीक है, जल्दी से स्किज़ो के पीछे पीछे चलते हैं। और यार ये तो बिल्कुल उनकी तरफ जा रहा है, अबे स्किज़ो बवाल करेगा क्या। okay, तो गैस ये देखो, ओ भाई ये उसका क्या हाल कर रहे हैं, ये तो वही है। साले किस तरह जश्न मना रहे हैं दूसरे को तकलीफ पहुंचा के। रुक जा डीकन, रुक जा, भावनाओं पे काबू रख। ओ नो जीसस, तो भाई ये विक्टिम कह रही है मुझे गोली मार दो, मतलब इतना ज्यादा दर्द हो रहा है। लीविंग हर, तो अब भाई डीकन धर्म संकट में पड़ गया कि तो करें तो करें क्या। तो ठीक है, देखते हैं डीकन क्या करता है। और ओ नो, ओके तो इसको ये छुड़ाता है और भाई चिल्ला बहुत रही है यार इसको, मतलब इतना टॉर्चर किया है। ओ भाई उसकी हड्डियां बाहर आ गई हैं, वो नहीं चल पाएगी, मतलब उसको या तो उठा के ले जाना पड़ेगा या यहीं पे छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उसकी हड्डियां जब पैर से बाहर आ गई हैं तो वो चल कैसे सकती है। तो डीकन के पास कोई चारा नहीं बचा है, और क्योंकि अगर उसको उठा के ले जाने की कोशिश करेंगे तो अपनी स्पीड भी काफ़ी कम हो जाएगी। ओ भाई डीकन उसको निपटाने वाला है। ओह गॉड, नाउ शी इज डेड, सारे दर्दों से उसे मुक्ति मिल गई क्योंकि कोई चारा नहीं था अपने पास। और डीकन को इतना गुस्सा आ रहा है ना कि सालों को रिपल्स को पटक पटक के यहीं पे उनकी माँ बयान कर दे, बट क्या कर सकते हैं, वो बहुत सारे हैं और अभी हम अकेले हैं। तो ठीक है, चलते हैं यहाँ से। तो ठीक है गैस, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इस चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। तो गैस देखते रहें वी गेमर्स, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पे पहली बार आए हैं तो गैस सामने लाल बटन दिख रहा है, दबा दो यार। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।